हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, बात ऐसी है कि मेरा ब्लॉग पर डे तो नहीं आ पाता है, इसमें कई बातों की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग पर डे नहीं आता है। लेकिन गाइस, मैंने एक बात ठान ली है कि मैं आपको बहुत एडवेंचर ब्लॉग दिखाऊंगा। इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा घर छोड़ के शहर। बिकॉज गाइस, बात ऐसी है कि मैं लगभग 5-6 महीने से घर पर ही बैठा हूँ। तो मैंने आज इस बात को नोट किया है कि यार, मेरे को पढ़ाई भी करनी चाहिए। अभी ऐसी उम्र है नहीं कि यार हम पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी तो मेरी एज है 18 ईयर्स। तो अभी ये बात है कि मेरे को जाना पड़ेगा शहर, पढ़ाई को मैंने छोड़ दिया था। मेरा एक प्लान था कि यार मैं यूट्यूब पे ग्रो हो जाऊँगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, तो ये बात मेरे लिए सही नहीं बैठ पाई। तो आज मैं ये करता हूँ कि मैं आने वाले संडे, आज तो थर्सडे हो गया है, संडे को मैं जाऊँगा शहर और वहाँ पर मेरे को स्टडी करना है। बिकॉज इस बात ऐसी है कि CET का एग्ज़ाम आने अभी आएगा, कुछ लोगों के हो चुका है जो कि ग्रेजुएशन पास थे, उनके तो हो चुका है, लेकिन जो 12th पास है उनका अभी तक CET का एग्ज़ाम क्लियर भाई नहीं हो पाया है, तो उनका एग्ज़ाम अभी होगा। तो मैं अभी 12th पास हूँ, तो बात ऐसी है कि एग्ज़ाम की तैयारी करना है, उसी के साथ कुछ और नया सीखना है, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, जो कि मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ बिकॉज कई प्रॉब्लम थी इसकी वजह से। अब मैं फ्री हूँ, तो मेरा मानना है कि 3 महीने का समय मैं कुछ इस तरीके से निकालूँ कि मैं 3 महीने तक कंप्यूटर कोर्स करूँगा। उसमें से 3 महीने का समय मेरे लिए बहुत गोल्डन टाइम होगा, जिसके टाइम मैं एडवेंचर व्लॉग्स बना पाऊंगा और ट्रैवल कर पाऊंगा, जो कि शहर के अंदर करूंगा। तो वो सब कुछ गाइस मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा कुछ प्लान है जो कि मैं आपके सामने अपलोड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं आपको नया कुछ करके दिखाता हूँ, क्या नया कोई शहर में कुछ मिलेगा। तो ये बात थी। तो मेरा एक कहना था, मैंने आपको कहा कि मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था, तो गाइस मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई काम जो कुछ भी करें उसमें आप अगर YouTube पे वीडियोस बनाते हो, तो आपको कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही राय है कि यार, किसी काम को करने से एक काम की दिक्कत नहीं होती है, जिसकी वजह से हम उस काम को छोड़ देते हैं, तो वो बेटर नहीं रहता है। तो आप जो कुछ भी काम करें उसके साथ सब काम करें, ऐसा नहीं कि यार YouTube पे चल जाएगा दूसरे काम छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने 12th में, या से मैं 10वीं में पढ़ता था, 10th में पढ़ता था, तब मैंने क्या किया था कि मैंने दोस्तों से बात की नहीं, दोस्ती तो की नहीं थी मैंने किसी से भी नहीं की। तो आज ऐसी नौबत आएगी कि मैं पढ़ाई तो करता ही था, सब में इंटेलिजेंट था मैं, तो अब मेरे को दोस्त है ही नहीं। जो मेरे 10th में सब साथ करते थे वो भी है ही नहीं, मेरे को जानते ही नहीं, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ। तो वो कह रहा था कि तुम तो इंटेलिजेंट थे, तुम पढ़ाई में थे, तुम तो सारे बड़े इंजीनियर बनने के तो सपने देख रहे थे। मैंने कहा सपने तो सब देखते हैं, लेकिन खैर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दोस्ती भी करना ज़रूरी होता है हर किसी के साथ। तो दोस्त भी करनी चाहिए और पार्टी भी करनी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए। किसी काम को करने से एक काम को छोड़ना ये हमारे लिए सही नहीं बैठता है। मेरा आपसे एक ही राय है कि किसी काम को करो तो एक काम को छोड़ देना वो सही नहीं है। हर काम को एक साथ साथ लेके निभाओ, उससे बहुत नेक्स्ट लेवल आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, तो उसमें से कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो ये है मेरी बात कहने की। तो अब संडे को जाएंगे और फिर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल व्लॉग बनाने की मैं कोशिश पूरी करूँगा और आपको दिखाऊँगा। मेरा एक मकसद है कि मैं जहाँ जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ या फिर कहीं घूमता हूँ, तो वो सब आपको गाइस मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये समझते हैं था, कंप्यूटर कोर्स करने का मकसद एक ही है, क्या यार यूट्यूब पे हम आए हैं तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी एडिटिंग सीख जाएंगे, एकदम नेक्स्ट लेवल एडिटिंग सीख जाएंगे। तो ऐसा है कि अगर हम PC अगर या फिर लैपटॉप्स या कंप्यूटर लें तो कुछ में एडिटिंग नहीं आ रही है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो पहले कंप्यूटर कोर्स अच्छी तरह से हो जाए, उसके बाद कहीं PC वगैरह लेने का कोई मन हुआ तो ले लेंगे, नहीं हुआ तो यार कुछ सीखेंगे, यार कंप्यूटर कोर्स से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गई तो वो सब सीखते हैं। और जैसे ही वहाँ जाएंगे हम आपको वहाँ का कुछ सीन वगैरह दिखाएंगे। तो आने वाले संडे का हमारा पूरा प्लान है गाइस, तो आप भी देखना गाइस। तो भी गाइस एक और बात करते हैं कि मैं वीडियोज़ में मेरी एक और दिक्कत है कि मेरा कभी कभी कैमरा इस तरह हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। इसका एक मेन रीज़न है कि मेरे को सेल्फी स्टैंड की ज़रूरत है, जो कि मैंने अभी तक ख़रीदी नहीं है। बात ऐसी थी कि मैंने जब मोबाइल ख़रीदा था तब घर वालों को किसी में मेरी मदर ने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को फ़ोन दिलाया, तो मैंने सबको बात नहीं की इस बात की मैंने फ़ोन लिया, वो बात कभी नहीं की। तो मैंने सोचा यार सेल्फी स्टैंड को करेंगे क्या, फिर घर वालों में से किसी बड़े को पता चल जाएगा कि यार आपने फ़ोन क्यों ख़रीदा, आपको भी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा पंगा वगैरह। तो मैंने सोचा कि सेल्फी स्टैंड ना ख़रीदूँ, बट आज मुझे इस बात की ज़रूरत पड़ रही है कि मेरा कैमरा सही तरीके से नहीं बैठ पाता, कभी इधर हो जाता है, कभी ऊपर नीचे, तो उसमें से क्या होता है कि यार वीडियो सही क्लियरिटी में नहीं बन पाता है, हिल जाता है, जैसे ऐसे ऐसे हिलता रहता है 24 घंटे। तो
तो इस बात की प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि यार अब की बार जहाँ शहर जाएंगे तो फिर सेल्फी स्टैंड को भी साथ खरीदेंगे, तो उससे बहुत जैसे टर्न में काम आ जाएगा और वीडियोस में सेल्फी स्टैंड का काम ठीक रहता है, क्योंकि मोबाइल तो ऐसे हाथ में रह नहीं सकता, क्योंकि हाथ में भी थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है बिकॉज काफ़ी टाइम से हम लोग इससे पकड़ते हैं, तो फिर आपको पता ही है कि यार क्या होता है। तो सेल्फी स्टैंड खरीदना, और कुछ बातें वो भी बताऊंगी गाइस आपको। तो अभी गाइस एक और बात थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर हमारे मोबाइल में सेकेंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन है, हमारी जो आईडी है वो लॉग आउट हो चुकी है, तो फिर क्या उस सेकेंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन होने के बावजूद भी हम अपने खुद के मोबाइल या किसी दूसरे मोबाइल के अंदर लॉगिन कर सकते हैं? इसका मैं एक टेस्ट करता हूँ। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है, जब मेरे पास दो मोबाइल होंगे तो इसका और टेस्ट करेंगे कि एक के अंदर सेकेंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन करके उस मोबाइल को ऑफ कर देंगे, फिर दूसरे में स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होता है। इसका मेरे को थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है कि यार हम तो वीडियोस बनाते हैं, तो फिर अगर चैनल ऐसा कुछ चला ही जाए तो फिर क्या दो बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? तो हम क्या करते हैं कि एक हमारे मेरे पास कोई आईडी है उसमें सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि उसे लॉग आउट करते हैं, फिर उसे लॉग इन करते हैं, तो क्या वो लॉग इन हो पाते हैं या फिर नहीं, इसका एक मैं टेस्ट करना चाहता हूँ क्या क्या होता है। तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं इसके क्या होता है। तो अभी गाइस फाइनली पहुँच चुकी है स्क्रीन पर, ये रहा जीमेल। हाँ जी, अब एक और आईडी है मेरे पास, जैसे ये है नरपत सिंह, जो ये आईडी है 7424911@gmail.com। अब इसमें क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं और इसमें सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन करते हैं। चलो मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं, ठीक है अब इसे ऑन हो चुका है। अब क्लिक करते हैं सिक्योरिटी। अब क्या कर देखते हैं इसमें सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन करने का क्या है कोई जुगाड़। ये ऑफ है, इसे ऑन करते, ठीक है नंबर देने पड़ेंगे जो कि मेरे मोबाइल नंबर है उस पर हो गया, तो देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पर वापस आईडी लगानी पड़ेगी जिसके ऊपर हम सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं, यही आईडी है। तो अब चलते हैं, अब इसका पासवर्ड लगाते हैं। चलो तो फाइनली पासवर्ड लगा दिए। हाँ जी अब मेरे को यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर एंटर करने पड़ेंगे, तो देखते हैं एंटर करते हैं। चलो इसमें से टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करते हैं और आगे वेट। अब वापस आएगी मेल आएगा या फिर क्या आता है, अब यहाँ पे एक कोड आएगा तो उसे बात लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है अब पिन वेरीफाई हो रहा है, अब इसे सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन कर दें। तो फाइनली हमारा सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इन विथ सेकेंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन वाज टर्न्ड ऑन, ये टाइम बता रहा है अभी 3:21 अभी हो चुका है आप देख सकते हो ऊपर, और 3:21 हमने किया है जो कि हमारा एड्रेस भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब क्या करते हैं इस आईडी को लॉग आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। वापस हम अब चलते हैं वापस सेटिंग के अंदर। चलो ये सेटिंग अकाउंट पे आ गई। अब देखना कि जो आईडी थी वो थी नरपत सिंह वाली, यही है ठीक है। आप इसे कहते हैं लॉग आउट करते हैं, तो इस रिमूव अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो ये हो गया रिमूव हो गया। तो वैसे आप देख सकते हैं कि हमारी वो आईडी यहाँ पर लॉग आउट हो चुकी है। अब क्या करते हैं इसी आईडी को वापस लॉगिन करते हैं, तो हो पाती है या नहीं हो पाती है इसके बारे में एक बार और टेस्ट करते हैं, तो जल्दी से आपको दिखा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का गूगल क्लिक किया, तो भैया आप देख सकते हैं कि हम वापस हमारी आईडी को बना रहे हैं। तो ऐसा करते हैं अब इसके अंदर चलते हैं वापस और हमारी जो आईडी थी उसे वापस लगाते हैं। ठीक है नेक्स्ट किया,
अब यहाँ पर वापस पासवर्ड लगाते हैं। अच्छा, इसमें से आप ये हो सकता है कि जिस मोबाइल नंबर पे आपने इसे लॉगिन किया था वहाँ पर आपको कुछ आप देख सकते हैं कि दिस मे टेक ए फ्यू मोमेंट्स टू हेल्प कीप। अब ये क्या होगा मेरे खुद को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है कि अगर आपका वही मोबाइल है जो सिम थी आप वापस कोई इसका जीमेल आ चुका है वापस तो इसका है, ठीक है बस। तो मेरे हिसाब देख सकते हैं कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन होने के बावजूद भी ये इसमें से लॉगिन हो रहा है। थोड़ी देर करते हैं और फिर देखते हैं कि यार क्या ऑन हो गया। देखो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी ये आईडी वापस आ चुकी है, तो बहुत अच्छा रहा हमारा। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यार क्या अगर सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन करते हैं तो इसमें से बड़ी बात यह रहती है कि आपके जो मोबाइल नंबर आपको याद रखने की जिसमें से आपने इसे यूज़ किया है, तो जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करोगे तो वो मोबाइल नंबर आपको याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके वापस मेल आएगा सॉरी उसके मैसेज आएगा तो उसमें से कुछ भी आपको ओटीपी है तो ओटीपी वापस देना पड़ेगा। और जब से आप ओटीपी वापस दोगे तो आपका सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो गाइस, आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस व्लॉग में आपको मेरे शहर जाने के बारे में बताया, आपको एकदम नेक्स्ट लेवल व्लॉग आपको बताने की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, और इसी के साथ मैंने आपको सेकंड अटेम्प्ट वेरिफिकेशन ऑन होने के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो गाइस, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद है, पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय गाइस। Just let yourself go.